दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल ऑल टाइम हाईएस्ट पॉजिटिव केसेस आए हैं एक दिन में, इसको अच्छा इंडिकेशन माने या क्या कहें? देखिए, आप ही ने खुद ही बता दिया कि ऑल टाइम हाई, जब हाई आ गए तो हाई के बाद तो लो ही जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाईएस्ट आ चुके हैं। और दूसरा, आज का जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, कल 28,800 से भी ऊपर केस थे, आज 25,000 से कम आने की संभावना है, तो केसेस डेफिनेटली टॉप के बाद तो फिर डाउन जाएंगे, तो पीक आ चुका है आशा करते हैं। ये तो कंफर्म तो 2-3 दिन बाद ही पता लगेगा। सर, जो रिपोर्ट एक सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो कुल डेथ्स हुई हैं 97 में से 86 लोग ऐसे थे जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं थे, कुछ की पहली वैक्सीन थी, कुछ की दो भी नहीं लगी थी, तो क्या माना जाए इसको कि इस तरीके के केसेस जो है वैक्सीनेशन हेल्प कर रहा है लोगों को? देखिए, जो अनवैक्सीनेटेड है वो ज्यादा डेथ है, वैक्सीनेटेड बहुत थोड़े केसेज, जैसे आपने खुद ही बताया कि 11 केस ऐसे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, तो ऐसा देखने में आ रहा है। परंतु इसके बावजूद मैं बताऊं, ज्यादातर जो डेथ हो रही है वो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से है। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से, जैसे कैंसर से पीड़ित हैं या किडनी डिजीज से पीड़ित हैं, हार्ट अटैक हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं। पिछली बारी की तरह से जो प्योरली कोरोना की वजह से डेथ थी बहुत ही कम है जी। तो अभी भी जिस तरीके से जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, तो अभी भी इसी बात पे मेंटेन कर रहे हैं कि जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और बेहद जो लोग सीरियस हो रहे हैं वही हैं जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज की बीमारियां बाकी कुछ बीमारियां? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी केसेज आ रहे हैं बहुत ही थोड़े ऐसे जो कि आप कह सकते प्योरली कोरोना की वजह से हैं, बाकी सब केस बहुत ही, जैसे एक 83 इयर्स की एज में क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी की डिजीज बहुत लंबी डिजीज थी, तो उसको तो देखो बहुत मुश्किल ही था। हाँ। तो ऐसे ज्यादातर केस आ रहे हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कोई स्पेशल ड्राइव की, अभी प्रिकॉशनरी वैक्सीन भी शुरू कर दी गई है, तो कुछ ऐसा? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से ना बहुत ही तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तो फर्स्ट डोज तो 100% लोगों को लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 80% क्रॉस कर गई है, और वो भी देखो 100% जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि लोगों को 3-3 महीने वेट करना पड़ता है, 1 महीने से 3 महीने का वेट करना पड़ता है, जैसे ही वेटिंग टाइम खत्म होगा तो आप देखिएगा 100% हो जाएगा। सर, आखिरी सवाल, बच्चों के लिए कितना खतरा है और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बच्चों के लिए क्या? देखो, बच्चों के लिए बिल्कुल ना खतरा है। पहली बात तो बच्चों को इन्फेक्शन उतना ही है जितना बड़ों को है, परंतु हॉस्पिटल एडमिशन बच्चों के उनके मुकाबले बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब अगर 100 बड़े एडमिट होंगे और बच्चे 20 होने चाहिए तो 2 ही होते हैं, तो बहुत ही कम कहते हैं बच्चे एडमिट होते हैं। और बच्चों के लिए मतलब सावधान रहें, सतर्क रहें, ध्यान रखें, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, फिर हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कल मामले ऑल टाइम हाईएस्ट आए हैं, तो ऐसे में अब मामले कम ही आएंगे इसकी आशा जता रहे हैं, यानी कि दिल्ली में आशा करें कि पीक अप होकर जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ प्रियंका पांडे, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।